नमस्कार दोस्तों, चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमने B2B सॉफ्टवेयर के एपिसोड में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिसोर्सेज फंक्शन के बारे में। B2B सॉफ्टवेयर में जो रिसोर्स फंक्शन है उसमें क्या क्या कंट्रोल्स और क्या क्या फंक्शंस आपको मिलते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उसी तरीके से आज जो हम बात करने वाले हैं मेंबर मैनेजमेंट के बारे में, मेंबर फंक्शंस के बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि मेंबर्स फंक्शंस में आपको क्या क्या कंट्रोल देखने को मिलेंगे, किस तरीके से आप मेंबर को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से उनको कमीशन दे सकते हैं, किस तरीके से उनको आप मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि किस तरीके से आप अपने मेंबर्स को मैनेज कर सकते हैं। चलो फिर अपना B2B एडमिन सॉफ्टवेयर लॉगिन कर लेते हैं और मेंबर फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेंबर फंक्शन को समझने के लिए आपको अपना एडमिन पोर्टल लॉगिन कर लेना है। मेंबर का जो फंक्शन है वो आपको रिसोर्स फंक्शन के नीचे देखने को मिलेगा, बस वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग रोल देखने को मिलेंगे, जैसे कि वाइट लेबल, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, API पार्टनर, अदर यूजर व रजिस्टर्ड यूजर। ये रोल के अलावा एडमिन को अगर कोई दूसरा रोल ऐड करना है, जैसे कि एम्प्लॉय का रोल ऐड करना है, या फिर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर रोल ऐड करना है, या व्हाइट लेबल रीसेलिंग वाला रोल ऐड करना है, वो टोटली एडमिन के ऊपर डिपेंड होता है। एडमिन को जो रोल ऐड करवाना है वो ऐड यहाँ पे कर सकता है। तो चलो फिर देखते हैं ये रोल को यानी कि मेंबर को कंट्रोल करने के लिए और मैनेज करने के लिए एडमिन को क्या क्या फंक्शन दिए गए हैं, वो एडमिन फंक्शंस को वन बाय वन चेक कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर आप अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे कोई चार्ज नहीं देना है, यानी कि फ्री में आप मेंबर क्रिएट कर सकते हैं। जो भी मेंबर आपको क्रिएट करना है यानी कि जो भी रोल आपको क्रिएट करना है, बस उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड कॉर्नर पे ऐड न्यू करके बटन दिखेगा, बस उस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मेंबर क्रिएशन का फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बस आपको वो मेंबर के रिगार्डिंग कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और बिजनेस इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। ये सभी डिटेल्स भरने के बाद नीचे जो सबमिट बटन है वो सबमिट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप आसान तरीके से मेंबर क्रिएट कर सकते हैं। जो भी मेंबर आप क्रिएट करोगे उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। आपको जो भी रोल को मैनेज करना है वो रोल पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, रोल को कंट्रोल करने के जो फंक्शंस होते हैं वो सेम है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि कौन से रोल को कैसे कंट्रोल करना है। अगर आप मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। अपने अभी तक जितने भी मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनाए हैं उनका लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं और साथ में कई सारी चीजें वो मेंबर के रिगार्डिंग आप चेक कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, जैसे कि वो मेंबर एक्टिवेटेड है या डीएक्टिवेटेड है, वो मेंबर किसके अंडर काम कर रहा है यानी कि उसका पेरेंट कौन है, ये आप चेक कर सकते हैं। वॉलेट का डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं कि उसके वॉलेट में कितना फंड है, मेन वॉलेट में कितना पैसा पड़ा है, AEPS वॉलेट में कितना पैसा पड़ा है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर बनाने के लिए उसको कितना ID दिया है वो आप ID स्टॉक में भी चेक कर सकते हैं। तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो मेंबर के बारे में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप रोहित कुमार को इंडिविजुअली कंट्रोल करना चाहते हैं तो इंडिविजुअली कंट्रोल करने के लिए आपको एक्शन फंक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे जो राइट साइड कॉर्नर पे एक्शन फंक्शन आपको देखने को मिलेगा, वो एक्शन बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ये सारे कंट्रोल फंक्शन आपको हर रोल में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ रोहित को आप मैनेज कर रहे हो, सिर्फ रोहित के रिगार्डिंग ये कंट्रोल फंक्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे कंट्रोल फंक्शन आपको हर मेंबर को मैनेज करने के लिए दिए जाएंगे। पहला जो कंट्रोल यहाँ पे दिया है वो है फंड के रिगार्डिंग। आप अगर रोहित को फंड भेजना चाहते हो तो आप यहाँ पे जस्ट ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप डेबिट करना चाहते हो तो आप उसका वॉलेट डेबिट भी कर सकते हो। दूसरा जो कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है वो है स्कीम का। लास्ट वीडियो में हमने स्कीम यानी कि कमीशन मैनेजर के बारे में देखा है। अगर आप अपने मेंबर का कमीशन पैकेज चेंज करना चाहते हो तो ये वाले फंक्शन से आप अपने मेंबर का कमीशन पैकेज आसान तरीके से चेंज कर सकते हो। कमीशन पैकेज चेंज करने के लिए स्कीम ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जो भी स्कीम आपको ये मेंबर को देनी है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर देनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आप अपने मेंबर का स्कीम चेंज कर सकते हैं। स्कीम के नीचे अगला जो कंट्रोल दिया गया है वो है ID स्टॉक। ID डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बस ये बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये पॉपअप पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर ID और रिटेलर ID, कितने डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करने के लिए कितना ID देना है और कितने रिटेलर क्रिएट करने के लिए कितना ID देना है वो एडमिन यहाँ पे डिसाइड कर सकता है। एडमिन तो यहाँ पे अनलिमिटेड मेंबर क्रिएट कर सकता है, लेकिन उसके अंडर जो मेंबर काम कर रहे हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर है, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको कितना ID देना है वो लिमिट लगाने का एक्सेस उसको यहाँ पे मिलेगा।
आईडी स्टॉक के नीचे आपको परमिशन का कंट्रोल दिया गया है। परमिशन ये एक इम्पोर्टेंट कंट्रोल है। आप अपने मेंबर को क्या कंट्रोल देना चाहते हैं, कौन से परमिशन आपको देना है, वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है। जैसा रोल रहेगा उसी तरीके से वो परमिशन आप उनको दे सकते हैं, यानी कि एक वर्क फ्लो आप दे सकते हैं। जितने परमिशन आप उनको दोगे उतने ही परमिशन वो यूज कर पाएंगे। परमिशन के नीचे व्यू प्रोफाइल का कंट्रोल दिया गया है। इस पे क्लिक करने के बाद ये पर्टिकुलर मेंबर की प्रोफाइल आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके प्रोफाइल डिटेल्स में उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसकी केवाईसी डिटेल्स, उसका पासवर्ड, उसका पिन, उसके बैंक अकाउंट डिटेल्स, उसका रोल, उसका मैपिंग मैनेजर, ये सब कुछ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। व्यू प्रोफाइल के नीचे आपको केवाईसी मैनेजर का ऑप्शन दिया गया है। केवाईसी मैनेजर पे क्लिक करके आप यहाँ पे उनकी केवाईसी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये सारे कंट्रोल आपको एक्शन फंक्शन में दिए गए हैं। एक्शन फंक्शन के नीचे आपको रिपोर्टिंग वाला सेक्शन भी दिया गया है। यहाँ पे आप पर्टिकुलर मेंबर का रिपोर्टिंग भी चेक कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर मेंबर ने आज तक कितना ट्रांजैक्शन किया है या उसके मेंबर ने कितना ट्रांजैक्शन किया है, ये ओवरऑल रिपोर्टिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने मेंबर को मैनेज कर सकते हैं, चाहे उनका परमिशन हो, कमीशन हो, उनका फंड फ्लो हो या उनका प्रोफाइल सेक्शन हो, ये सारे कंट्रोल एक्टिविटीज आपको ये मेंबर लिस्ट में मिल जाएगी। तो दोस्तों आपने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से जो है कि आपको ये B2B सॉफ्टवेयर में मेंबर्स कंट्रोल करने के एक्सेस दिए जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सेस आपको देखने को मिले होंगे, एक मेंबर को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, उनके फंक्शंस के बारे में, उनके सर्विसेज के बारे में, परमिशंस के बारे में, उनका प्रोफाइल, उनका जो भी फंड्स के जो भी होता है उनके बारे में, ये सारी चीज़ें हमने ये वीडियो में कवर की है। दोस्तों ये वीडियो देख के जिसको भी लग रहा है कि हमें भी अपना एक खुद का B2B एडमिन सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए, B2B पोर्टल बनाना चाहिए, तो स्क्रीन पे जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे होंगे, ईमेल आईडीज आपको देखने को मिल रहे होंगे, आप इन पे कॉन्टैक्ट करके आप अपना खुद का B2B एडमिन सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो जैसे हमने ये मेंबर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग फंक्शंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है, उसी तरीके से अगले वीडियो में हम नेक्स्ट फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करके एक नोटिफिकेशन आइकॉन पर क्लिक कर लीजिएगा।